सुपर थर्टी यार, सुपर थर्टी है ना एक इंस्पिरेशनल जर्नी है आनंद कुमार की, एंड मुझे है ना ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, नंबर वन. और नंबर टू, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऋतिक रोशन, एज़ यूजुअल ऋतिक रोशन को कैरेक्टर्स दे दीजिए, वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं. बट हाँ, मुझे एक पॉइंट यहाँ पर कहना है ऋतिक सर के बारे में कि जो एक एक्सेंट होता है जो बिहार का पटना में है, वो बचपन से वहीं पला बड़ा है, तो ऐसे में वो जो एक्सेंट है वो एक्सेंट नहीं पकड़ पाए और वो कहीं ना कहीं आप सुपरफिशियल सा लगेगा और आप यू नो रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके आसपास के लोग वहीं भोजपुरी एक्सेंट बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं बिहारी जो लैंग्वेज होती है वहीं बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो उनके साथ काम करने वाले लोग हों, या फिर बच्चे क्यों ना हो. तो ऋतिक रोशन ने मेहनत करी है, नो डाउट ऋतिक रोशन ने बहुत हार्डवर्क किया है, वो उनको लग रहा है देख के, इमोशनल सीन्स भी. बट लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पर कि जिस तरीके से उन्होंने ये दिया है अपना एक्सेंट, वो मुझे थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लगा. स्टोरी की बात करें तो वेरी मच इंस्पायरिंग स्टोरी, इज सो इंस्पायरिंग यार. मतलब कैसे एक अंडरडॉग जो हैं वो इस लेवल पे पहुंचते हैं, और पता है कि ओबामा उनको सम्मानित करते हैं, बोलते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. और इतने सारे ऑब्स्टिकल्स जो हमें फिल्म के अंदर दिखाए उन्होंने, उन सबको पार करने के बाद जब वो इस लेवल पर अचीव करते हैं ना, तो वो यार मानना पड़ेगा कि चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर लो, लेकिन जो स्टोरी है वो आपकी बोलनी ही एक बार होती है, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल किया है वो दुनिया को भी तो पता चले कि देखो यार मैंने कितनी स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद जो है स्ट्रगल किया है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है. हम कह सकते हैं कि स्कूल के बच्चों के लिए मस्ट वॉच मूवी यार. मैं ये कहूँगा कि हाँ, स्कूल के बच्चों के लिए तो डेफिनेटली. और ये जो एडुकेशन को एक धंधा लेके जो लोग बनाते हैं, जो लाख लाख फीस लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, आओ हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, हम आपका PMT क्लियर कराएंगे, हम आपका IIT क्लियर कराएंगे, तो उनके लिए तो ये एक सबक है, एक लेसन है. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि अभी एक आनंद कुमार जन्मा है, बाकी के और जन्मेंगे और वो कुछ ना कुछ इनकी दुकान बंद करा के ही रहेंगे. म्यूज़िक की बात करें तो मूवी में म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड है यार. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुपर हीरो की कोई फिल्म देख रहा हूँ. विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट विकास बहल अलॉट, आई रिस्पेक्ट ऋतिक सर अलॉट, बट लेकिन अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ, बैकग्राउंड स्कोर लाउड है. कहीं कहीं सीन्स में वो इतना इफेक्टिव होता ही नहीं और आप उस सीन को भूल जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो म्यूज़िक जा रहा होता है, तो या वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है. और ऋतिक रोशन के साथ साथ पंकज त्रिपाठी भी. पंकज त्रिपाठी तो इज जस्ट अमेजिंग. पंकज त्रिपाठी इज सो माइंड ब्लोइंग. मतलब उनके जितने भी सीन्स आए हैं, दर्शकों ने जो मेरे साथ बैठे हुए थे उन सब ने तालियां बजाई और मतलब सीटियां बजा रहे थे लोग, सोचिए इतना एंजॉय कर रहे थे. और कुछ कुछ जो मेरे बगल में ही जो सीनियर रिपोर्टर्स थे एंड दे आर लाइक फ्रॉम बिहार इट्सेल्फ, तो उन्होंने तो बोला कि ये बेहतरीन एक्सेंट में बात कर रहे हैं इनस्पाइट ऑफ द मेन लीड. आउट ऑफ फाइव आई गिव 3.5 स्टार्स. ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स एन इंस्पिरेशनल फिल्म, इंस्पायर करेगी. और स्मॉल टाउन में जो बच्चे ख्वाब देख रहे हैं, जो बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर ये फिल्म देखेंगे, और स्मॉल टाउन क्या बिग बड़ी सिटीज़ भी ले लीजिए, तो इंस्पिरेशन है यार, कहीं से भी मिल जाएगी वो, तो इस फिल्म को देख के इंस्पिरेशन मिलेगी. सुपर थर्टी वी हैव टू वेट फॉर दैट. बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, और ऋतिक की एक्टिंग ने तो एकदम चार चांद लगा दिया. बिल्कुल उनका नया रूप निखर कर आया, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया. सुपर थर्टी देखिए, सुपर थर्टी तो सब जानते हैं, आनंद कुमार की ज़िंदगी पर बेस्ड है. हालांकि बीच में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आई थी, आनंद कुमार जी पे भी कुछ एलिगेशन लगे कि लाइक वो दूसरे कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं ऑल, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क ये पड़ता है कि 30 लोगों को जो आनंद कुमार ने पूरा पढ़ाया और उन पूरे के पूरे 30 आ गए, ये बहुत बड़ी बात थी. और अगर उस पर फिल्म बन रही है तो बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है. और हर चीज़ के अच्छा और बुरा दोनों पहलू होता है, लेकिन इसका अच्छा पहलू इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने सोचा उन यतीम, और यतीम तो नहीं कहना चाहिए, उन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए. तो ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके. मैं इसको 3.5 दूंगी. फिल्म जो है सच्ची घटना पर आधारित है, और मैं देखना चाह रहा था कि ऋतिक रोशन भोजपुरी कैसा बोलते हैं. ग्रीक गॉड जो लगते विदेशी हैं, फ्रेंच टाइप के मुझे लगते हैं वो,
तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा था ट्रेलर में जब मैंने देखा तो ऋतिक रोशन भोजपुरी में बात कर रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा तो उन्होंने शुरू से आखिर तक आनंद कुमार को जिस तरह से पकड़ा है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और कहानी सच्ची है और प्रेरणा से भरपूर है, एक मैसेज है उसमें। तो तमाम जो हम हिंदुस्तानी हैं उनकी धरती की कहानी है, मिट्टी से जुड़ी हुई है, तो दर्शकों को वो अच्छी लग सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं देख रहा हूँ और कुछ सीख रहा हूँ फिल्म में, मनोरंजन तो था ही, एक मैसेज भी था जो जैसे कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा बल्कि गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। तो देखना यह था कि मनोरंजन कितना कर पाते हैं, तो मनोरंजन हुआ। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे लंबा लगा, प्रीची लगा। सेकंड हाफ इन्होंने अच्छे से बताया। मैथमेटिक्स के बारे में मैं जानना चाह रहा था, तो जो लोग मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं उन्हें तो मतलब बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोगों को बाउंसर भी जाएगा, जैसे कि कितने किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है क्या नहीं, इस तरह की चीज़ें मेरी तो समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी ये फिल्म जब मैंने देखा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मनोरंजन हुआ। हाँ, आज की जो सच्चाई है, आज की नहीं पिछले कई सालों से ये चीज़ें होती आ रही हैं, और सुपर 30 भी आज का नहीं है, बहुत पहले से, जैसे कि कोचिंग का एक बाज़ार हो गया है तो वो इसमें दिखाया गया है, तो वो सच्चाई है। और हिंदुस्तानी जो एक मतलब मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल इनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, तो एक मैसेज जाता है कि हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है कूट कूट के, जैसे कि सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके हेड जो हैं वो इंडियंस हैं, जैसे कि गूगल को जो हेड कर रहे हैं CEO जो हैं उसके, वो हमारे इंडियन हैं बड़ी बड़ी एजेंसी के, तो ये हमारे अगर इंडियन हैं तो इतना टैलेंट यहाँ है, उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। तो दो सीन बेस्ट है मेरे, जैसे कि कैम्ब्रिज में सिलेक्शन हो गया था ऋतिक रोशन का, तो एक गरीब आदमी है और परेशान है, दो वक्त की रोटी भी शायद उन्हें खुशी से नहीं मिलती है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, और उसका सिलेक्शन कैम्ब्रिज में हो जाता है, तो ये इजहार करना बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड आई फील कि 100 में से 100 देना चाहूँगा ऋतिक रोशन को। और दूसरा जो सीन था उनका, जब उनके पूरे 30 छात्र हैं जिनका जिन्होंने IIT क्रैक किया था, तो पूरी उनकी मेहनत है पिछले 8 महीनों की, 1 साल की, और जब उन्होंने क्रैक किया तो वो चीज़ को एक्सप्रेस करना वो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने अच्छे से किया। दो सीन मुझे बहुत अच्छे लगे। डायलॉग तो यही है कि अब सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा बल्कि आम लोग भी बनेंगे, जो डायलॉग्स वगैरह थे ये काफ़ी अच्छे हैं। 3.5 स्टार। यस जी, अच्छी है मूवी। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत इमोशनल, बहुत अपलिफ्टिंग स्टोरी है दैट, एंड इट्स नॉट लाइक अबाउट यू नो, जैसे इफ समवन हैज समथिंग गुड देन इट कैन, इफ एंड इफ यू यूज इट इन द राइट वे यू कैन डू गुड फॉर 10 अदर पीपल। आई थिंक दैट मैसेज वाज वेरी नाइस इन द फिल्म। ऋतिक काफ़ी अच्छे थे, पंकज त्रिपाठी वाज टेरिफिक दो, एंड जैसे लोग ऋतिक के बारे में बोल रहे थे ट्रेलर में वो बिहारी दिखेंगे या नहीं, आई थिंक वो सब डाउट्स थोड़ा अनफाउंडेड है, क्योंकि ऋतिक ने जो इमोशंस है ऑफ मिस्टर आनंद कुमार वो बहुत अच्छे से निभाया था। 3 ओके। I think the best scene is when I think the I enjoyed quite a few, जब वो मीन्स वीरेंद्र जी को उसका वो फ्रेशियो वाला काफ़ी क्यूट था, देन आई ऑल्सो लाइक दैट वन, क्लाइमैक्स भी अच्छा था। हाँ, आई कॉन्ट रिमेंबर लाइक दिस, ओके चलो 3-3। हाँ चलो, अच्छी लगी पिक्चर, सही है, सब मस्त है, एक नंबर है, इमोशन है काफ़ी, एक मैसेज है, मतलब कि जो गाँव पढ़ाई के एजुकेशन के रिलेटेड है, मैथ के ऊपर है, अच्छी है कहानी, अच्छी है, 3.5 स्टार है अपनी तरफ। एक्टिंग की ऋतिक की अच्छी है, मस्त है, पहले जैसे कोई मिल गया के याद दिलाता है, अपना 3.5। मुझे अच्छी लगी, मतलब अलग सब्जेक्ट है, एजुकेशन पे है, और मैंने बोला जैसे कि टैक्स फ्री करना चाहिए फिल्म को, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे लोगों को लाइक मतलब कुछ बनने का दिमाग में सोचेंगे। अभी आज एक छोटा इंसान सोचता है कि अभी हम ही लोग बॉम्बे में, अरे हम लोग किधर IIT कर सकते हैं, इसके लिए इतना पैसा लगता है, लेकिन अगर अपने इरादे मजबूत हों तो एक गांव का लड़का भी जाके बनता है, और वैसा रियल में भी हुआ है। ये जो आनंद कुमार की स्टोरी है ये रियल स्टोरी है,
तो ये फिल्म अगर हमारे यूथ वाले लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो उनको एक जज्बा आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म को पहले तो टैक्स फ्री कर देना चाहिए और सारे स्कूल वाले बच्चों को, तो हाँ उनको दिखाना चाहिए। पिक्चर में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई वल्गैरिटी नहीं है, मकसद पढ़ाई है, शिक्षा है, जिसकी आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है। तो वो पिक्चर का मेन मकसद है, वो अच्छा दिखाया है फिल्म में। हमारे आनंद कुमार कैसे लगे? अच्छे अच्छे लगे, ऋतिक रोशन ने अच्छा काम किया। बस एक ही चीज़ खटक रही थी कि उनको बदसूरत दिखाया है, मतलब इतना अच्छे नहीं दिखाया, लेकिन रोल के हिसाब से शायद वो ज़रूरी था। लेकिन जो उनके फैंस है, जो उनको हैंडसम देखना चाहते हैं, उनका थोड़ा सा ग्लैमर लुक देखना चाहते हैं, वो थोड़ा सा निराश हो गए। हाँ, बहुत दिनों के बाद है, वही उनके फैंस जो उनको देखना चाहते थे उनको जरूर निराशा हो जाएगी थोड़ी सी। कोई सीन आपको जो अच्छा लगा, बेस्ट सीन अगर बात करें? बेस्ट सीन मुझे एक तो लास्ट वाला सीन बहुत अच्छा लगा, कि वो जब बोलता है कि सब पास हो गए, तो हम लोग खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे सब लोग कैसे पास हो गए, लाइक तो वो जो खुशी दिखाई है ना, वो सीन सबसे अच्छा सीन है पिक्चर। नहीं, वही बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है कि मतलब उनका लाइक मदर टेरेसा से कंपेयर कर सकते हैं, कि जो दूसरे के लिए सोचते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के लिए सोचते हैं। इन्होंने इसमें दिखाया कि वो दूसरे के लिए सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे, जान भी खतरे में डालने को तैयार है। तो वो पिक्चर का मेन अच्छा लगा। इसमें तो बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि बोलते हैं ना, मतलब यादगार बोल सकते हैं। मुझे हाँ, राजा का बेटा राजा नहीं, जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बने, अभी आम पब्लिक भी राजा बनेगी, ऐसा उसने बताया। सॉन्ग्स थोड़े से वीक है, सॉन्ग्स पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, मतलब एक ही सॉन्ग अच्छा है, वो जो होली वाला है, वो जो रिदम पकड़ा है, तो अपना ऋतिक की बीट्स का याद दिला दिया, और ऋतिक का जो था ना रैप सॉन्ग्स, वैसा वो जो पकड़ा है वो अच्छा, एकदम नेचुरल भी लगा कि इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश में गाना गा गए, वो अच्छा लगा। नहीं, ज़रूर एक बार तो देखनी चाहिए, और ये एक अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म है, और सबसे मेन चीज़ इंस्पायरिंग फिल्म है, तो एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ, बोल सकते हैं।